दिव्यंगा जी रुकिए रुकिए ऐसा नहीं है सही है ये साइड का ना दिव्यंगा जी बोल कर दिया तो बोल दिव्यंका जी पहले तो काफी शानदार एंट्री की थी, उससे पहले सोशल मीडिया पे एक रिक्वेस्ट आई थी आपको राइड को लेके और आज ही तस्वीर देखी मैंने, लगता है रिक्वेस्ट विवेक जी की पूरी हो चुकी है आपके साथ राइड जी। बिल्कुल, विवेक ने खुद के लिए एक बाइक ली थी एंड मैं काफी समय से सीखना चाह रही थी बाइक राइडिंग और मैं हमेशा बोलती रहती थी कि यार मुझे सीखना है सीखना है, एंड वन फाइन डे आई एक्चुअली प्लेन चलेगा सो वन फाइन डे मैंने एक टीचर ढूंढ निकाली, फटाफट सीखा, 7-8 दिन में आई वॉज रेडी एंड विवेक सेड व्हाई नॉट बाय अ बाइक, हमने कहा क्यों नहीं यार। तो अभी तक हम लोग हर जगह एक साथ में ट्रैवल करते आए थे तो हमने सोचा और भी ज़्यादा बेहतर होगा, हम कार में ट्रैवल करते थे, बाइक में साथ साथ हम ट्रैवल किया करेंगे, सो एक अलग ही हम पार्टनरशिप निभा रहे हैं। इसको लेके कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है जैसे कि बाइक राइड में कोई ऐसा प्रोजेक्ट OTD या फिर एनीथिंग? बहुत सारा कंटेंट बन रहा है मार्केट में एंड आई फील आएंगे, अभी तक लोगों को कुछ मालूम नहीं था इस बारे में कि मैं बाइक राइड कर सकती हूँ। अच्छा है, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, क्रिएटिव्स, या दैट्स अ हिंट, पिक इट अप एंड हाँ क्यों नहीं, मुझे बहुत मजा आएगा अगर मैं बाइक राइडिंग से रिलेटेड कुछ कर सकूं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट बिग बॉस कितना फॉलो कर पा रहे हो? बहुत कम, बिग बॉस मैं नहीं कर फॉलो कर पाती। फाइनल अगर कोई आपके प्रियंका इज देयर द कलर्स Would you like to say something? Honestly, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एपिसोड देखा था जिसमें संदीप सिकंद थे क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके उस एपिसोड में उन्होंने आके जो भी टिप्पणियाँ की थी लोगों पे और जो जो सजेशंस दिए थे, they were fabulous. He was so classy. और उसके बाद भी जो उन्होंने लोगों पे कटाक्ष किए एकदम ही प्यार से लोगों को लाइन पे लेके आ गए वो, सो आई लव संदीप सिकंद इन द शो। उनका नया प्रोजेक्ट आने वाला है। हाँ, आई एम रियली होपिंग, प्रेइंग और हमारे बेस्ट विशेस उनके साथ है और मुझे मालूम है कि उनका शो हिट होगा क्योंकि संदीप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्टेंट लेके आते हैं हमेशा, इनफैक्ट हाँ, और वो ना हमेशा औरत को एक अलग लाइट में दिखाना चाहते हैं जो कि थोड़ा अलग है, टेलीविज़न पे आमतौर पे वही रन ऑफ द मिल शोज़ बन रहे होते हैं लेकिन जब संदीप लिखते हैं तो कुछ अलग हटके लिखते हैं और इसलिए मुझे उनके साथ काम करना भी पसंद है, हमने मोहब्बतें में बहुत अच्छा काम किया था एक साथ और इसलिए मोहब्बतें हिट भी हो गया था क्योंकि उनकी राइटिंग इतनी प्यारी थी। एक आखिरी सवाल मेरा, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड, कोई गाने या? जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है जो मैंने पिछले साल ही शूट की है, अभी उसकी डबिंग नहीं हुई है तो अभी एडिट डबिंग वो सब कुछ हो गया, आई थिंक 3-4 महीना लग जाएगा,
बट दिस प्रोजेक्ट इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि आप लोग मुझे इस शो में ऐसा देखेंगे जैसा पहले कभी इनफैक्ट किसी भी लड़की को इंडियन टेलीविजन पे वेब सीरीज में फिल्मों में आपने नहीं देखा होगा. सो एंड वो पूरा का पूरा शो इट्स अराउंड दिस वन कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ. मुझे मालूम है आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा जो भी देखेंगे, मतलब परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं ऐसा कॉन्टेंट है. विल वेट अप. पठान देखी आपने जी? पठान हाँ हाँ. कैसी लगी? सो हैप्पी फॉर शाहरुख जीज रिटर्न एंड दीपिका वाज शी वाज सो अमेजिंग शी वाज हॉट. ये लड़के बोलते आए मैं भी बोल रही हूं. करण सर ने कुछ कहा? करण सर इज वेरी बिग फैन ऑफ शाहरुख खान. करण मेरी बात नहीं हुई उससे. आई एम वेरी श्योर फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया होगा देखने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. फैंस के लिए कुछ मैसेज? फैंस के लिए कुछ मैसेज, जनवरी बस खत्म ही हुआ है लेकिन कुछ बहुत देर नहीं हुई है. इस साल के लिए आप लोग कोई नए एस्पिरेशंस, नए पैशंस क्रिएट कीजिए. जैसे कि मैंने भी बाइक राइडिंग सीख ली रातों रात और राइडर बन गई हूँ. बिकॉज आई फील हमें रोज सपने देखने चाहिए, उन्हें पूरा करना चाहिए. कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब देर हो गई है. सो पालो कुछ नए शौक पालो. थैंक यू सो मच.